कैथोड किरणों के बारे में, यानी कैथोड किरणों की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। दोस्तों आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैथोड किरणों, तो यहाँ पर हम बताएंगे कैथोड किरणों की बच्चों जो खोज हुई थी कहाँ पर हुई थी, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे परीक्षाओं में इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कैथोड किरणें, या इसी को कैथोड को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रॉन की खोज कहा जाता है। राइट, दरअसल बच्चों सन 1859 में जूलियस प्लकर ने सबसे कम दाब पर एक विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत का विसर्जन कराया। अब यहाँ पर होता क्या है, आप ध्यान से सुनिए, हम बहुत आराम से आपको समझाएंगे, और यहाँ से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। राइट, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक विद्युत विसर्जन नलिका है, विद्युत विसर्जन नलिका में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। क्या आप ये जानते हैं, क्या ये बात सत्य है? हमारे पास देखिए एक बुक है जो कि एक साल पूछा गया है, पहले आपको दिखा दे तब आपका मन लगेगा पढ़ने में। ये देखिए, कैथोड किरणों की प्रकृति की पहचान किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन के द्वारा, विलियम क्रुक्स के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। और ये देखिए पूछा भी गया है, तो इसी के बारे में बच्चों अभी हम आपको बताएंगे। राइट, चलिए अब यहाँ पर एक विद्युत विसर्जन नलिका है। अब होता क्या है, इसमें सामान्य दाब पर 10,000 वोल्टेज यानी कि बहुत हाई वोल्टेज तक बच्चों विद्युत का विसर्जन कराया जाता है। राइट, ये देखिए एक नलिका है ये, और ये निर्वात पंप है, यहाँ से यानी चूसक पंप की सहायता से वायु को बाहर निकाल लिया जाता है। ये भाग कैथोड से जोड़ देते हैं बैटरी से, और ये भाग एनोड से जोड़ देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की लेप लगा देते हैं जो स्फुरदीप्त का लेप माना जाता है। राइट, अब यहाँ पर करते क्या है, सामान्य दाब, नॉर्मल दाब होता है, जैसे आप बैठे हैं कहीं भी पढ़ रहे हैं मोबाइल में, अपना अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो इसमें क्या किया जाता है, विद्युत का विसर्जन कराया जाता है। जैसे ही आप सामान्य दाब पर विद्युत का विसर्जन कराएंगे यानी 10,000 वोल्टेज तक, यहाँ बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे, विद्युत का विसर्जन कराएंगे, तो देखा यह जाता है इस नलिका में बच्चों कोई घटना ही नहीं होती। अब इस पर वैज्ञानिक विचार करते हैं, घटना आखिर में क्यों नहीं होती। वैज्ञानिकों के मन में ये विचार आता है कि जो गैसें हैं उस सामान्य दाब का मतलब इसमें कुछ दाब है तभी सामान्य दाब माना जाएगा, तो कोई घटना नहीं होती। वैज्ञानिक ये मानते हैं यार कि ये ऊष्मा की कुचालक है। राइट, गैसें ऊष्मा कुचालक, इसलिए इसमें कोई घटना नहीं होती। उसके बाद दाब को कम किया जाता है यानी 10^-2 मिलीमीटर, ये बात समझ में आ रही है, दाब को बहुत कम किया जाता है 10^-2 मिलीमीटर करके पुनः विद्युत का विसर्जन कराते हैं। देखा जाता है इस पूरे नलिका में एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। राइट, जब इस पूरे नलिका में बच्चों एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा तो वैज्ञानिक समझ गए अब यहाँ पर थोड़ा दाब को कम किया गया यानी गैस को बाहर निकाला गया, अभी तक तो उसमें कुचालक थी ये पता चला, अब दाब को बाहर निकाले तो प्रकाश उत्पन्न हुई। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया यार दाब को और कम कर दिया जाए, यानी 10^-4 मिलीमीटर दाब को कम कर दिया गया, इतना बाहर निकाल लिया गया, इतना ज़्यादा कम कर दिया गया। अब जब विद्युत का विसर्जन कराया जाता है, देखा जाता है एनोड भाग के बच्चों पीछे की ओर, आप देख पा रहे हैं ना, ये एक हरे रंग की चमक हो जाती है, यहाँ पर एक हरे रंग की चमक उत्पन्न हो जाती है। अब वैज्ञानिक यहाँ पर सोचने लगे यार कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहीं पर वैज्ञानिक अपना एक माइंड लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि जरूर यहाँ कैथोड भाग से कुछ कण निकलते हैं जो कि एनोड की ओर आते हैं, और यहाँ पर जब टकराते हैं तो एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। तो वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं अगर कैथोड भाग से कोई चीज़ निकलेगा तो भागेगा एनोड की ओर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य वेरी हाई अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह दिमाग लगाया यार कैथोड भाग से एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, और ये इसके नीचे आकर यहाँ पर स्फुरदीप्त में टकरा कर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से कैथोड किरणों, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब हम बताएंगे वैज्ञानिकों का इनमें क्या रोल हुआ था, क्या गुण होते हैं जो कि इनसे संबंधित सबसे ज़्यादा बच्चों प्रश्न बनते हैं। अभी तक हम लोग कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन कर पाए कैसे खोज हुई थी, अब जरा हम लोग विचार करते हैं जो कई बार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे परीक्षाओं में आखिर में इनसे प्रश्न बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे जो विचारणीय प्रश्न है, आप फोकस कीजिए, यहाँ से प्रश्न भी बना हुआ, अभी हमने आपको दिखाया भी है।
विलियम क्रुक्स 1879 में, जे थॉमसन 1897 में इन गुणों का अध्ययन करते हैं। अब वो अध्ययन क्या करते हैं, जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जहाँ हमारा पेन की नोक है, थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया, क्योंकि कम दाब पर विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा किरणों का उत्पन्न होना तभी संभव है जब ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं, यानी कि कम दाब पर, बहुत कम प्रेशर पर किरणें तभी उत्पन्न होती हैं जब ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं, राइट, जब ये कैथोड से उत्पन्न होती प्रयुक्त की गई गैसों से नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इनका गुण क्या होता है बच्चों, ये जो कैथोड किरण होते हैं, कैथोड किरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो कैथोड किरण होते हैं ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगे, राइट, ये सीधी रेखा में चलते हैं। ऐसे कई बार देखा गया कैथोड किरण, क्योंकि कैथोड किरणें जो होती हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए सीधी रेखा में चलती हैं, राइट। दूसरी बात ये, अगर कैथोड किरणों के मार्ग में, दूसरी बात ये, कैथोड किरण छोटे कण से मिले होते, बहुत बारीक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि अगर इनके मार्ग में एक छोटी पतली पन्ने की फिरंगी रख दिया जाए तो इन्हें एक छोटे छोटे कण अगर उनसे टकराएंगे ना तो वो नाचने लगेंगे, घूमने लगेंगी, राइट। तीसरी बात ये, कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, क्यों, क्योंकि अगर इनकी अगल बगल साइड में, अगर इनके अगल बगल साइड में धन प्लेट रख दिया जाए तो ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। चौथी बात ये, कैथोड किरण बहुत हाई वेलासिटी से चलती हैं, उच्च वेग से, और यही कारण है कैथोड किरणों को उच्च गलनांक की धातु, जैसे टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतीक W होता है, हमारी बात को ध्यान से समझिए, टंगस्टन का प्रतीक W होता है, अगर उस पर इन किरणों को प्रवाहित किया जाए तो यक्ष किरणें उत्पन्न होने लगती हैं, राइट। तीसरी बात ये कि जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर पड़ने से अत्यंत चमक उत्पन्न होती हैं, और ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये प्रश्न भी बना हुआ है, ये देखिए पूछा गया है ना, कैथोड किरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी, अभी हमने बताया, बताइए अब कौन से हैं वैज्ञानिक, विलियम क्रुक्स थे, जे था, तो इसमें कौन से हैं, जे थॉमसन, तो ये आपको हाईलाइट कर देना है। यहाँ पर देखिए इनके प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, गैसों को आनित करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के